दोस्तों आज जो भी हम हैं वो हम अपनी आदतों की वजह से हैं। हमारी आदतें ही हमें बनाती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी आदतों यानी कि अपनी हैबिट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक दिन मिलकर आपकी जिंदगी बनती है। और जब आपका हर दिन अच्छा बीतने लगता है तब आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाती है। दिन की शुरुआत हमेशा सुबह उठने से होती है। ऐसे में आपका पूरा दिन कैसा बीतेगा वो आपकी सुबह की आदतों के ऊपर निर्भर करता है। और इसीलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह उठकर की जाने वाली कुछ खास आदतों के बारे में जानकारी, जो आपको जीवन में सफल बनाने में आपकी बहुत सहायता करेगी। नंबर एक, सुबह जल्दी उठना। हमें अपनी सबसे पहली आदत ये बनानी है कि हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठने का सबसे अच्छा समय 5 बजे होता है। इस समय चारों तरफ शांति होती है, जो हमारे दिमाग को सुबह चाहिए। और जब हम 5 बजे उठते हैं तो हमारे पास दूसरों के मुकाबले समय ज्यादा होता है। और सुबह जल्दी उठने से हमारे अंदर सकारात्मकता बनी रहती है। इससे हमारे सोने की आदत सुधर जाती है और अच्छी होती है। सुबह जल्दी उठने से हमें आलस महसूस नहीं होता और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज से ही सुबह 5 बजे उठने की आदत बना लीजिए। नंबर दो, सुबह उठकर एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज को सफल लोग अपनी लाइफ में काफी महत्व देते हैं, जबकि असफल लोग व्यायाम को बोझ समझते हैं। सफल लोग एक्सरसाइज के लिए सुबह एक फिक्स टाइम सेट करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि व्यायाम करने से शरीर और दिमाग दोनों फिट रहते हैं। साथ ही व्यायाम करने से आत्मविश्वास, सोच शक्ति और फोकस बढ़ जाता है, जिससे हर मुश्किल काम आसान लगता है। इसलिए सक्सेसफुल लोग सुबह हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। और आपको भी यदि अपनी जिंदगी में सफल बनना है तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दीजिए। नंबर तीन, सुबह अपने अंदर ध्यान लगाएं। सुबह उठकर हमें अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। सुबह उठने के बाद हमें एक शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। कुछ भी अपने दिमाग में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, यानी कि हमें सुबह उठकर मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाती है। मेडिटेशन आप 20 मिनट या अपने अनुसार कर सकते हैं। और उसके बाद हमें अपने बारे में सकारात्मक विचार सोचना चाहिए और हमें सुबह कभी भी नकारात्मक विचार नहीं सोचने चाहिए। मेडिटेशन करने से हमारे दिमाग की शक्ति बढ़ जाती है और मेडिटेशन से हम खुद को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, और जो खुद को समझ लेता है वो सबको समझ पाता है। इसलिए रोज सुबह मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। नंबर चार, सुबह उठकर कुछ ना कुछ पढ़ना। दोस्तों सुबह उठकर कुछ ना कुछ रीड जरूर करना चाहिए। रीडिंग का मतलब अब ये नहीं कि पूरा न्यूज़पेपर पढ़ डाले। आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ सकते हैं जो आपकी नॉलेज को, आपके इंटेलिजेंस को बढ़ा दे। आप रोज कम से कम 10 पेज पढ़ने की आदत बनाएं। इस हिसाब से आप लगभग एक साल में 3650 पेज पढ़ लेंगे। ये लगभग 17 से 18 बुक पढ़ने के बराबर होता है। सफल लोगों में 88% लोग हर दिन 30 मिनट या उससे ज्यादा खुद को बेहतर बनाने में लगाते हैं। 60% लोग साल में एक बार तकनीकी, व्यापार, दर्शन अथवा अध्यात्म का कोई ना कोई कोर्स करते हैं। अधिकांश लोग बायोग्राफी, इतिहास या सेल्फ हेल्प की बुक्स पढ़ते हैं। हम हमारे कोर्स में भी अक्सर सफल लोगों को बार बार आते देखते हैं। वो ये होते हैं जो खुद को अपग्रेड करने में यकीन रखते हैं। तो इसीलिए सुबह उठकर हमें कुछ कुछ ज्ञान देने वाली चीजें पढ़नी चाहिए। नंबर पांच, सुबह अपने विचारों को लिखना। दोस्तों सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करके तथा ध्यान लगाने के बाद आप अपने कुछ विचार जरूर लिखें। आपको क्या करना है और कब तक करना है और आपके क्या क्या गोल्स हैं, वो सारी चीजें सुबह सुबह लिखिए। इस तरह से आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं। आपको पता होता है कि आप कहाँ हैं और कहाँ तक आपको पहुँचना है, और आपको हर बार पता चलता रहेगा आप कितना आगे बढ़े। आप हर रोज अपने दिन का डेटा शीट बना सकते हैं और उसमें भी आपको सिर्फ 5 मिनट ही लगेंगे। बस आपको लिखना है कि आपको आज क्या करना है, आपने कल क्या किया था और आपने कल से आज कितना ज्यादा या कम अचीव किया, और सुबह किया हुआ ये छोटा सा काम आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है। नंबर छह, सुबह उठकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। दोस्तों सुबह उठकर एकदम शांत जगह में और एकदम ठंडे दिमाग से अपने लक्ष्य की तरफ सोचें कि आखिरकार हम अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं और हमें उस लक्ष्य को पाने में कितना समय लगेगा। साथ ही हमें उस लक्ष्य को पाने के रास्ते के बारे में सोचना है कि आखिरकार हम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपना रास्ता कैसे तैयार करें। जब आप रोजाना सुबह उठकर ठंडे दिमाग से ऐसा सोचने लग जाएंगे तो आपका बनाया हुआ लक्ष्य बहुत जल्द आपके सामने आ जाएगा और एक न एक दिन आप उस लक्ष्य को पाने में कामयाब जरूर हो जाएंगे।
नंबर 7, सुबह उठकर रोजाना पानी और थोड़ा फल खाएं। रोज सुबह पानी पीने की आदत बहुत कम लोगों के अंदर होती है, इसलिए दुनिया के बहुत सारे लोगों को गैस, एसिडिटी की समस्या और भी तरह तरह की पेट की बीमारियां होती है। अगर आप हर सुबह ब्रश करने के बाद 2 गिलास गर्म पानी पीने की आदत अपने अंदर ला सकते हो तो आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर ये आदत आपको पहले से ही है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा रात भर सोने के बाद सुबह हमारा मेटाबॉलिज्म काफी नीचे होता है, इसलिए सुबह पानी पीने के बाद अगर आप किसी भी फल का सेवन करते हैं तो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, आपको एनर्जी की कमी महसूस नहीं होगी। हमारे समाज में सुबह चाय पीने की प्रथा चलती आई है, हालांकि ये सेहत के लिए उतनी अच्छी नहीं है। अगर उसकी जगह आप पानी और फल का सेवन करने लगेंगे तो आप अपने आप को पूरे दिन स्वस्थ महसूस करेंगे, और जब आप निरोगी एवं एनर्जेटिक रहेंगे तो आपको कोई भी चीज हासिल करने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 8, साफ सफाई का रखें ध्यान। जब सफल होने की बात आती है तो कोई भी व्यक्ति इसके पीछे साफ सफाई को मुख्य वजह नहीं मानता। अपनी सभी चीजों को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखना हमें अपने दैनिक कामकाज की तरह ही लगता है, जिसका सफलता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन साफ सफाई रखना एक आदत के रूप में चुनौतियों का सामना करने की क्षमता पैदा कर सकता है। असल में इस तरह की साधारण आदतें बहुत आसानी से अपनाई जा सकती हैं, और फिर हम तनाव मुक्त और शांत रहते हैं, क्योंकि साफ सफाई और सुव्यवस्था रखने पर हमें अपनी प्रत्येक वस्तु जरूरत पड़ने पर आसानी से मिल जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने काम या अध्ययन डेस्क को हमेशा व्यवस्थित रखते हैं तो आपको वहाँ बैठकर काम करना या अध्ययन करने में काफी अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा आपको जरूरत पड़ने पर अपनी हर चीज तुरंत मिल जाएगी, और उस वस्तु को तलाशने में लगने वाला आपका समय भी बच जाएगा। नंबर 9, सुबह उठकर अपनी दोनों हथेली देखें। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति रोज सुबह उठकर अपनी दोनों हथेलियों को सबसे पहले देखता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता भरपूर मात्रा में आती है। हमारे शास्त्रों में इस बात के कई जगह वर्णन मिले हैं कि मनुष्य की हथेली में सृष्टि के पालनहारी भगवान विष्णु, सुख समृद्धि देने वाली देवी सरस्वती और धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले अपने हथेलियों को देखें, और कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, और सुख समृद्धि और अपार सफलता की प्राप्ति होगी। नंबर 10, सुबह उठे तो अपने फोन से कुछ घंटे के लिए दूर रहें। दोस्तों, 80-90% लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं। सुबह के समय आंखें खुलते ही सबसे पहले अपने फोन को देखते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार ऐसा करने से मानसिक स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ता है। सुबह का समय ऐसा समय है जिसमें सुबह के पहले 2 घंटे आप अपने लिए निकाल कर खुद के साथ बिताएं। जो लोग सुबह के समय सोशल मीडिया को महत्व न देकर खुद के साथ समय बिताते हैं, वो कम स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसा करने से आपका पूरा दिन अच्छा रहता है और आपका ध्यान सफलता की ओर खींचने लगता है। तो दोस्तों, ये थी वो कुछ आदतें जो सुबह उठकर आप कर सकते हैं और अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। उम्मीद है आप सभी इन सभी बातों को जीवन में धारण करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और जल्दी हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।